हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजी गार्डन। तो देखिए, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कौन कौन से प्लांट मैं लाई हूँ शॉपिंग करके नर्सरी से। दो तीन दिन हुए हैं मैं कुछ प्लांट लाई हूँ जो सीजनल भी है, जो गर्मियों में लगाए जाते हैं, और कुछ परमानेंट भी लाई हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं ये फूशिया प्लांट दिखा रही हूँ, डांसिंग डॉल प्लांट। ये मुझे 100 का एक प्लांट मिला है। ये पहला एक्सपीरियंस है मेरी, मैं लगाई हूँ और इनको बिल्कुल वेलडन सॉइल में लगाई हूँ। ये जो सॉइल आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्की है, सॉफ्ट है। इनमें मैंने राइस हस्क 1 पार्ट लिया है, 1 पार्ट मैंने जो पत्तियों वाली खाद होते हैं वो लिया है, और 1 पार्ट मैंने मिट्टी लिया है, और जो नीम की खली होते हैं वो लिया है। इन सभी को मिला के तब मैंने इनको लगा दिया है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं डांसिंग डॉल या फूशिया को लगा रही हूँ। तो 2 प्लांट मैं लाई हूँ। ये ऊपर ऊपर से देखिए, उन्होंने तोड़ लिया था, कहीं लगाया होगा, क्योंकि ये जो प्लांट है ये कटिंग से इजीली लग जाते हैं। तो देखिए, अब जाके इनके कई सारे ब्रांचेस निकले हैं। और दूसरा प्लांट मैं लाई हूँ, ये देखिए ग्लाडिया। मेरे पास 2 कलर थे, लेकिन एक ग्लाडिया ये वाले ख़राब हो गए मेरे पास। मैं हमेशा लगाती हूँ सीड से ही, मेरे गार्डन से ही कटिंग करके लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास ये वाले कलर नहीं थे तो मैंने इनको लाया है। ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। और ये है जीनिया। जीनिया को मैं लगाना चाह रही थी, हर साल तो वैसे मेरे गार्डन में लग जाते थे क्योंकि मैं सीड्स रखती थी, इस बार नहीं रखा था। तो जीनिया मेरे गार्डन में नहीं थे तो एक ही जीनिया मैं लाई हूँ। 10 रुपीज़ का ये प्लांट है। और मैंने लाया है हिबिस्कस, जो कि येलो कलर मेरे गार्डन में नहीं थे और सभी कलर थे, तो ज़्यादा हिबिस्कस प्लांट अच्छे से नहीं मिल रहे थे, तो मैंने ये येलो वाला ले आया है। ये मुझे 75 रुपीज़ का पड़ा है एक प्लांट। छोटे से पॉट में लगे हुए थे ये प्लांट, तो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। वही मिट्टी है जो मिट्टी मैं सबके लिए तैयार करती हूँ। तो और मैंने लाया है ये देखिए कॉस्मस। कॉस्मस मैंने 10 रुपीज़ का लाया है। 3 प्लांट मैंने कॉस्मस का ले आया है। एक तो येलो आप देख ही रहे हो, इसमें देखिए सीड्स भी आ रहे थे, तो मैंने सीड्स को तोड़ के ये देखिए यहाँ पे लगाया है। एक ही दिन हुए हैं, देखिए 1-2 दिन हुए हैं इस प्लांट को लगाए हुए, क्योंकि मैं रात में लगा रही थी तो मैं वीडियो नहीं कर पाई लगाने का। तो देखिए, ये भी जो है सीड्स आ रहे हैं, मैच्योर हो जाएंगे तो मैं कहीं भी डाल दूँगी, तो फिर ये दूसरा प्लांट आ जाएगा मेरा। एक कॉस्मस ये है, ये थोड़े ऑरेंज कलर के हैं, और एक कॉस्मस उधर है रेड कलर के हैं। 10 रुपीज़ का मैं ये प्लांट लाई हूँ। और एक मैंने लाया है सनफ्लावर, ये भी 10 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। और चलिए मैं दिखाती हूँ और भी। और ये देखिए पोटूला का मैंने लाया है, 3-4 कलर मैंने लाया है। ये देखिए मैं लगा दी हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलर का फ्लावर खिले हैं। ये देखिए 10 रुपीज़ का एक प्लांट है, तो ये 10 रुपीज़ का लाया है मैंने। और इधर भी मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इधर भी मैंने लगाया है पोटूला का। एक कलर इधर है और एक कलर इधर है, तो एक प्लांट मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। और एक देखिए यहाँ पे फूशिया लगाई हूँ, ये तो 100 का है, तो एक मैंने कल रात को लगाया है, ये देखिए। और ग्रीन का मैंने लाया है 2 कलर, 10 रुपीज़ का ये भी है। देखिए 2 कलर एक ही पॉट में लगा दिया है, क्योंकि पॉट मेरे पास अभी खाली है नहीं, तो दोनों को मैंने साथ में एक ही पॉट में लगा दिया है। दोनों अच्छे से चलेंगे।
और ये देखिए कोचिया मैंने लाया है, ये 5-5 रुपीज़ का एक प्लांट पड़ा है मुझे। बोरी बैग में लेती तो 10 रुपीज़ का होता, और इसमें मैं ली हूँ पॉली बैग वाले छोटे प्लांट है, तो मुझे 5-5 रुपीज़ का पड़ा है। दो प्लांट लाई हूँ मैं, तो इसको भी गर्मी में लगाइए, बहुत ही खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल, और ये बहुत सुंदर सा है, शेप लेते हैं। तो देखिए बस यही शॉपिंग है मेरी। तो आप इस टाइम पोटूला का और कॉस्मोस और विनका और सनफ्लावर ये सभी प्लांट आप लगाइए, और हिबिस्कस लगाइए, और कहीं अगर मिले आपको ये फूशिया प्लांट तो इसे भी लगाइए, क्योंकि देखिए ये कहीं जल्दी मिलते नहीं है, ये मैंने ऑर्डर से मंगवाया था, मैंने नर्सरी वाले भैया को बोला था लाने के लिए तो उन्होंने लाया था। और ये ग्लाडिया लगाइए, ग्लाडिया तो कभी भी रुकते ही नहीं है, फूल हमेशा ही खिलते रहते हैं, बहुत सुंदर इनके फूल लगते हैं। चलिए मैं येलो कलर वाले दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमेशा ही मैं प्लांट तैयार करती रहती हूँ। तो देखिए एक प्लांट इधर बने हुए हैं, और बहुत सारे प्लांट मैंने बनाया है, तो कटिंग से ये प्लांट बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस यही गर्मी के टाइम में आप इन सभी प्लांट को लगाइए, बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, बाय बाय।